वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब नु जी आया नु, अज असी नवा पाठ लेके आए हैं। पास्ट टेंस कर रहे हैं। अज पहला इस तो पाठ असी बनाया है, जेड़ा वो है पासे कंपोजे, इन्हों पास्ट परफेक्ट कहते हैं। हुण असी करन लगे हाँ लैं पारफे पास्ट कॉन्टीन्यूअस। हुण ये दोनों ही मिलके असी भूतकाल यानी पास्ट टेंस की गल कर सकते हैं। कल्याण एजुकेशन वालों छोटी जी कोशिश है मां बोली पंजाबी राही फ्रेंच सीखने की। आओ पाठ सीखिए, आओ फ्रेंच सीखिए। लैम पारफे उच्चारण एदा लैम पारफे। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इंग्लिश जिन्हों कहने हैं, पंजाबी चनू कहने ने भूत चलंत काल। भूत चलंत काल मनु भी नहीं पता सी, मैं भी लभ्या है। पंजाबी मैं स्कूल च नहीं पढ़ी है, अफसोस रहा मनु, लेकिन चलो ऐसे राही मेरी पंजाबी सुधर रही है। पिछले पार्ट च असी देखा है कि भूतकाल पास्ट टेंस की गल करने वास्ते सानू वर्तमान प्रेजेंट और फ्यूचर बारे भी पता होना चाहिए है, आने वाले कल बारे। तद ही असं तिना मिला के एक वाक्य बना सकते हैं, उन्होंने समय के बन सकते हैं। प्रेजेंट वास्ते ले प्रेजेंट जो है असं तीन लफ्जा का इस्तेमाल किया है, जिदे है ओजुर्दी मेनतनो और एक्चुअल। ओजुर्दी मायने होंगे ने अज, मेनतनो मतलब हूँ इस समय, और एक्चुअल मो अजकल इस वक्त जो चल रहा है। ले पैसे पास्ट, वो असि तीन लफ्स ले ने, जरा है ईयर जरा मायने है गुजरिया हुआ कल, अवंत ईयर परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे, और इलिया इन समेन एक हफ्ता पहला। इन समेन मतलब एक हफ्ता, उस तो पहले अगर असि लगा देता है इलिया तो वो मायने हो गए एक हफ्ता पहले। अगर असि लिखिए मुआ एक महीना तो हो जाएगा एक महीना पहले, इलिया ए मोआ। अगर असि लिखिए इलिया उन आने मतलब एक साल पहला। तो इस तरीके असि उन्हों बन सकते हैं समय च किस वेले की गल असि कर रहे। ले फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाला कल, आने वाला समा। फ्यूचर दमा कल, अपरे दमा परसों, ए आफ्टर टुमारो। दो जून समेन एक हफ्ते विच, एक हफ्ते बाद, इन्हें वीक्स टाइम में अंग्रेजी च कहूँ। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उन्होंने ये साइट पे छोटा जा वीडियो भी देखा है, हुण उहदे और इहदे थोड़ी जी तब्दीली की है मैं, जिहड़ी तुसीं नोटिस करनी है, जिहड़ी जरूरी हैगी है। स्लाइड के उपर इत्थे लिखा है ईयर, ताकि सानू पता रहे कि असीं कल की गल कर रहे हैं, जो गुजरिया कल है उहदी गल कर रहे हैं। लेकिन इसे विच एक खास एक होर चीज है जिहड़ा अखीर में लिखा है कौ। कौ मतलब होंगे वेन, जिस वक्त। कल मैं ए कर रहा सी, ए कर रहे सी, ए कर रहे सी, जिस वेले जिस वक्त कुछ होया। हुण अगर मैं कहना हाँ जिवें इत्थे हैगा दे दिखाया हैगा है, जे जुए ओ जिशक, मैं शतरंज खेल रहा सी। भाई हाँ जी, हम ए जड़ा है जो जुए उस शक, मैं शतरंज खेल रहा सी। यह मतलब है कि अगर खेल रहा सी, मैं कुछ देर खेलिया, उन्होंने थले वाली फोटो इच हैगा है इल शौते, वो लोग गाना गा रहे सी। अगली फोटो इच हैगा है कि इल दौसे, वो लोग डांस कर रहे सी। और ए जुड़िया हुआ है कि उस वेले एकदम, फिर कल मैं शतरंज खेल रहा सी जद, जिस वेले मैं, वो लोग डांस कर रहे सी कल जिस वेले, और वो लोग डांस कर रहे सी, वो लोग गाना गा रहे सी जिस वेले। जिस वेले की होया, जिस वेले की टेलीफोन दी घंटी बजी, जिस वेले की टेलीफोन दी घंटी बजी। हम जो पहले दा सी जो सी पास्ट टेंस जिहड़ा असीं गल कर रहे सी कॉन्टीन्यूअस,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਗਜ਼ਿਲਰੀ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਖਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਬ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਬੀਤੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ, ਅਬੀਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਬੀਤ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਿਵ, ਔਰ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਲਿਵਡ ਜੇ ਅਬੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਲਿਵਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਅਬੀਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸਕੁਲਿਨ, ਫੈਮਿਨਿਨ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ, ਅਸੀਂ, ਨੂੰ, ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਬੀਤੇ ਵਰਬ ਦਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨੂਜ਼ ਅਬੀਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ HABIT। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਬੀਤ, ਕਿਉਆਬੀਤ, ਇਲਾਬੀਤ, ਮੁਜ਼ਾਬੀਤੋਂ, ES, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ,
और उत्थे किस तरीके होंदा है असी देखना है, लेकिन मुड़ जड़ी है असी ए फर्स्ट पर्सन प्लूरल दी मुड़ लैके चलनी है, मेन स्टेम उत्थो लैके चलना है। हुण तारफे देखिए, जे जाबीत जाबीत असी मेन जड़ी मुड़ है वो यो लिख ली, उन्हें दी एंडिंग्स जड़ियां ने ए थोड़ी जी अलग ने प्रेजेंट नालों, वो देखिए किवें हन, इस तरीके आएगा AIS, AIS, AIT, AAT, IONS, IEZ, AIENT, AIN. उन्हें दा उच्चारण जेड़ा है एक बारी करके देखते हैं, एदा बनेगा जाबीते, I used to live, I used to live, जाबीते, tu habite, il habite, elle habite. सारे दा उच्चारण एक वर्गा है, I used to live, you used to live, he used to live, she used to live. फिर बदल दी है उच्चारण, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient, elles habitaient. Nous habitions, we used to live, vous habitiez, you used to live, ils habitaient, they used to live, elles habitaient, they used to live. एंडिंग्स का ध्यान रखना है, मुड जड़ी है सी यूज की है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल विचों लई है, चाहे इस वे महसूस नहीं हो रहा कि भाई असं अगों पिछों भी लै सकते सी, लेकिन अगे तुसी देखोगे कि मैं कह रहा कितने आके, लेकिन इसका ध्यान रखना है एम पारफे बनाना है वो मुड प्रेजेंट टेंस दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल विचों लैके चलनी। अगे देखते हैं, lundi dernier j'ai parlé à mon ami, lundi dernier pichle somvar j'ai parlé à mon ami, I spoke to my friend, main apne dost naal gal kiti, last monday I spoke to my friend, ho gayi ji gal, hun usse nu thoda jaha tabdeel kita hai, lundi dernier j'ai parlé à mon ami quand j'ai vu ton frère, hun ede ch main लैम्पारफे और लुपैसे कंपोजे दोनों इस्तेमाल किए ने ताकि तुसी दोनों का इस्तेमाल देख सको और कितने किमें इस्तेमाल हो पता चलेगा। लेंदी डरनी पिछले सोमवार जो पार्ले आ मोन एमी, आई वॉज स्पीकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त नाल गल कर रहा सी, गलबात चल रही सी, ड्यूरेशन हैगी सी ओदी, कंटिन्यूएशन ही चल रही सी, कौन जे व्यू तों फ्रेर, जिस वेले कौन j'ai vu ton frère, मैं तेरे भरा नूं वेख्या, वो उत्थों गुजर रहा सी, मैं उन्हें एक बारी देखिया, वो साइकिल ते मोटरसाइकिल ते कार ते जिवें भी वो जा रहा सी, मैं उसने देखिया, लेकिन उस वेले मैं की कर रहा सी, मैं अपने दोस्त नाल गल कर रहा सी जिहड़ी लंबी चल रही सी। यह है दोनों दे विच डिस्टिंक्शन जिस दे नाल सानूं पता चलता है कि एम्पारफे और पैसे कंपोजे किहड़ा किहड़ा इस्तेमाल होया। दोनों की कॉन्जुगेशन भी तुसी देख रहे हो सामने नजर आ रही है। Hier soir, tu as regardé le documentaire de BBC. Hier soir, कल शाम नू, tu as regardé, तू देखी, की देखिया, le documentaire de BBC. BBC दी डॉक्यूमेंट्री सी जेड़ी तू देखी। Hier soir, tu regardé le documentaire de BBC quand Simran étudiait. On était दोनों imparfait इस्तेमाल किए ने। पहले वाला जेड़ा खब्बे हाथ से लिखा है कि कल शाम नु BBC दी डॉक्यूमेंट्री देखी। हुन तुसी कहोगे जी डॉक्यूमेंट्री देखी ओ देखी ते कुछ ड्यूरेशन होएगी, कुछ देर लगी होनी, बिल्कुल लगी होनी है, लेकिन एथे ओ काम पूरा हो चुका है, ओदे एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें खत्म कर लिया, वो करना पिया नहीं है। पास्ट टेंस कंपोजे जड़ा है, पासे कंपोजे जिस वे असी इस्तेमाल करना है वो उस वे होना है जिस वे एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उस एक्टिविटी दे विच ड्यूरेशन चाहे सी उन्हें डॉक्यूमेंट्री देखी अद्धा घंटा लगाया होना है लेकिन वो कंप्लीट हो गई, वो फुल स्टॉप हो गया। जबकि इत्थे सजे हथ जो लिखे है कि यस्टरडे इवनिंग यू वर वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, when Simran was studying, दो काम नालो नाल हो रहे सी,
जिस वेले यस्टरडे इवनिंग कल शाम नू तू डॉक्यूमेंट्री देख रहा सी उस वेले सिमरन पढ़ाई कर रहे सी। दोनों चीजें नाल नाल चल रही सी, जिन्हां दी फुल स्टॉप नहीं होया, दोनों काम हो रहे सी, कंटिन्यूएशन हो रहे सी। हुण इहदे विच अगे हो सकदा है कि बोलन वाला कह सके कि उस वेले ए होया, तां जिहड़ा है वो कंप्लीट फुल स्टॉप लगेगा कि जी ए गल्लां हो रही सी ते उस वेले ए होया, कि उस वेले बुआ खड़काया किसी ने, हाँ वो बुआ खड़काया तो फुल स्टॉप लग गया कि जी वो हो रहा सी, लेकिन ए एक बारी चीज हुई है, कल खत्म। और देखिए इल अ कासे ले वेर पोंडो ले डिजने, इल अ कासे, कासे मतलब होता है तोड़ना, उन्हें एक ग्लास तोड़िया लंच दे दौरान, जानबूझ के नहीं डिग पिया होना है। इल अ कासे ले वेर पोंडो ले डिजन, लंच दे दौरान ग्लास तोड़िया। Il buvait du jus pendant le déjeuner. Ethe hega. Il buvait du jus pendant le déjeuner. He was drinking. Boire verb hega hai. To drink. Ina. Il buvait du jus. Wo juice pi reha si lunch de duran. Unhe dono sentence se mila sakde. Il buvait pehla activity ki bhi wo juice pi reha si te ode kolo phir jada hai glass gir ke tut gaya. Is tarike se sentence bana sakde hain. पासे कंपोजर एम पर के दोनों मिलके चल सके। एला शर्शे सों जुए पाखतू, उन्हें अपना खिड़ौना हर जगह, पाखतू मतलब हर जगह लभ्या, शर्शे सर्च करना ढूंढना। एला शर्शे शी सर्च्ड फॉर हर टॉय एवरीवेयर, एवरीवेयर शी सर्च्ड फॉर हर टॉय। एल शर्शे सों जुए कांत एला व्यू मा मोंत्र, एल शर्शे शी वॉज लुकिंग फॉर, उन्हें एम्पार्फे है गया, वो कर रही सी, ढूंढ रही सी, शी वॉज लुकिंग फॉर, एल शर्शे सोजुए, शी वॉज लुकिंग फॉर हर टॉय, कौन थे ला व्यू मा मोंत्र, वेन शी सॉ माई रिस्ट वॉच, जिस वेले उसने मेरी हथकड़ी देखी। नूज आवों दोने दे फ्रुई ओज ऑफों, असी बच्चों बच्चियां नू फ्रूट्स दिते। नू पार्लियों ओज ऑफों क्वांड तू अचेते दे फ्रुई, नू पार्लियों, पार्ले मतलब बोलना, असी बोल रहे सी, वी वर स्पीकिंग टू द चिल्ड्रन, असी बच्चियां नाल गल कर रहे सी, क्वांड तू अचेते दे फ्रुई, जिस वेले तू फ्रूट्स खरीद रहे सी, दोनों चीजा नाल नाल हो रही सी। Vous avez écouté au kirtan ce matin. Aussi, aaj svere kirtan sunya. Aussi, aaj svere kirtan sunya. Vous avez écouté au kirtan ce matin. Vous écoutiez au kirtan ce matin quand je prenais mon petit déjeuner. Aussi, aaj svere kirtan sun rahe si. Vous écoutiez. You were listening to kirtan. This morning, quand je prenais mon petit déjeuner, इस वेले मैं अपना नाश्ता कर रहा सी, दोनों चीजें चल रही हैं सी, continuation नाल नाल चल रही हैं सी। ऐ sentences एक चीज है भी तुसी याद रखो, समझो गल नूं कि ऐ जिन्हों कहिंदे ने असी as an example लेके चल रहे हैं, जिस वेले paragraphic लिखा जाता उहदे जी continuity हुंदी है thought process दी, इस करके वो ज्यादा इफेक्टिव हुंदा है गल समझन समझाने च। ऐ वक्रे वक्रे सेंटेंस लिया जाते हैं बच्चों नूं उन्होंने जी है प्रैक्टिस कराने वास्ते, या सीखने वाले विद्यार्थियों नूं प्रैक्टिस कराने वास्ते, ताकि उन्होंने बेसिक कॉन्सैप्ट समझ आ जाए, और बाद चों जिस वेले कि असी पैराग्राफ या स्टोरी पूरी पढ़ांगे उस वेले इस्तेमाल होंदा होया ज़्यादा क्लीयर नज़र आंदा है। अगे देखते हैं, अवंतियर इल्ज़ ओं एम्प्रंटे मोन स्कूटर, अवंट हियर डे बिफोर यस्टरडे, इल्ज़ ओं एम्प्रंटे, एम्प्रंटे मतलब उधार लिया, मेरा स्कूटर, परसों उन्होंने मेरा स्कूटर उधार लिया सी। अवंट हियर इल्ज़ ओं एम्प्रंटे मोन स्कूटर पोंडों के जो दोर्मे, डे बिफोर यस्टरडे दे बोरोड माई स्कूटर वाइल आई वॉज स्लीपिंग, हूँ इतने जो है मैं सो रहा सी और वो घर आके उन्होंने मेरा स्कूटर उधार लेके चले।
Avant-hier, ils ont emprunté mon scooter. Pendant que, मतलब while, जिस दौरान, je dormais, मैं सो रहा था. Elles ont fermé la boutique tard hier soir. कल शाम उन्होंने दुकान देर नाल बंद की थी. Elles ont fermé la boutique tard hier soir. तार मतलब देर नाल उन्होंने दुकान बंद की. Elles ont fermé la boutique tard hier soir car il y avait des clients. उन्होंने दुकान देर नाल बंद की थी कल शाम नूं क्योंकि उन्हां कोल उस वेले ग्राहक हैगे सी. Il y avait. Elles ont fermé la boutique. मैं कोशिश करदा थोड़े थोड़े नवे लफ्ज़ लैके आन दी ताकि तुहानूं सुनने विच भी आन और थोड़ी वोकैबलरी इंप्रूव हो सके. Elles ont fermé la boutique. Fermé मतलब बंद करना. Elles ont fermé. उन्होंने बंद की दुकान. La boutique. तार यह सवार देर नाल देर कल शाम बंद की उन्होंने. कार कार मतलब बिकॉज क्योंकि. इलियावे देर वर उथे हैगे सी. कौन हैगे सी? देख लिया ते क्लाइंट्स हैगे सी. इस करके उन्होंने देर नाल बंद किया. अगे होर करके देखिए हम थोड़ा जा. हुण असी इस तो जिहड़ा पिछला स्लाइड सी उहदे च असी देखिया इलियावे देयर वर. हुण जिहड़ा हैगा है पास इम्परफेक्ट इस्तेमाल करना कि भई उस वेले हैगे सी इलियावे उहनूं किस तरीके करांगे. अवार वर्ब है. जिस वेले उहदा प्रेजेंट असी करीदा है तो असी उस वेले कहीदा है. अवार दा सानूं पता है कि किवें करना है. हुण अवार जिहड़ा है असी उसे दा फर्स्ट पर्सन प्लूरल जिहड़ा है उहदा मेन मुड जिहड़ा है उहनूं हाईलाइट कीता क्योंकि उसे दा ही ध्यान रखना है. असी वही लैणा है. हुण प्रेजेंट च हो गया जे मेरे कोल है. हुण पास्ट च अगर कहांगे जिस वेले एम परफेक्ट कर दे कि मेरे कोल हैगा सी उस वेले कॉन्जुगेशन एंडिंग जिहड़ी असी पिछले देखिया ने उहीओ ने. लेकिन मुड जिहड़ा हैगा है वो प्रेजेंट चो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का लिया. इम्परफेक्ट जावे तू आवे इल आवे एल आवे नू जावियो वू जाविए इल्स आवे एल्स आवे. मेरे कोल हैगा सी तेरे कोल हैगा सी उसदे कोल सी उसदे कोल मुंडा कुड़ी साडे कोल सी तुहाडे कोल सी उहनां दे कोल सी उहनां दे कोल सी. एथ जिहड़ा है उहदा भी उसे तरीके है. ए कंप्लीटली एक्सेप्शनल वर्ब जिहनूं कहिंदे ने उह हैगा है एथ. ए कानून नहीं मंनदा हैगा. जो भी हाले तक कानून देखे हैं तुसीं देखोगे कंप्लीटली अलग है. प्रेजेंट च होया जसवी आई एम. लेकिन आगे मैं हैगा सी. मैं किसी जगह हैगा सी स्कूल हैगा सी किथे सी ते उस वेले असीं कहांगे जेते. यानी मुड कंप्लीटली अलग हैगी है. एंडिंग हुई उहने लेकिन मूड अलग है. उच्चारण हैगा है दा जेते क्यूएते इलेते एलेते नू जेतियों वू जेतिए इल जेते एल जेते. आई वॉज कैन बड़ा सिंपल जहा हैगा है. लेकिन जिस हले सेंटेंस इस्तेमाल करो तां पता चलेगा. इसे पाठ च अखीरी च मैं छोटी जी कहानी भी है जिहड़ी तुहानूं लिख के भी दिखाऊंगे तो सुनाऊंगे भी तो तुहानूं ताकि कहानी के अंदर समझ आ सके कि किस वेले किवें इस्तेमाल होने ने है सर. नैगेटिव का थोड़ा जिहा मैं दस रहा. नैगेटिव का कानून जिहड़ा है उहीओ है जो हर जगह असीं पहले पढ़ चुके हाँ कि क्रिया दे पहले न और पिछे पा लगाना. यू अश्ते इत्थे असीं ज नाश्ते पा ज टेलीफोने Je ne téléphonais pas. Il ne le cassait pas. Le जड़ा है गया. अगर तुसी affirmative sentence जड़ा खबे हाथ लिखा होता देखोगे il le cassait मतलब मायने होया वो किसी चीज़ नू उस चीज़ नू तोड़ रहा सी. उन उस चीज़ नू तोड़ रहा सी. इसमें उसका नाम नहीं लिखा. आम बसी खरबूजा सी ग्लास सी कुछ भी सी. लेकिन वो ल जड़ा है वो पहले पढ़िया है पिछले पाठ कि वो क्रिया तो पहले लिखा जाता है.
जिसले इसी न और पा लगाना है वह भी ध्यान रखना है न इस तो पहले आएगा जड़ा कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वास्ते से लगाया ल उस तो पहले और अखीर ते पा आएगा इल ल कैसे पा ऐसे वास्ते इत लिखा है ताकि तुहानू पिछला पाठ जड़ा हैगा है जड़ा सी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उत्ते कर चुके हैं तुसी ओदी एक बारी दोबारा पढ़ो ओदी दोहराओगे ते ए जड़ा है आसान समझ आएगा पिछले पाठ पढ़ के फिर अगले ते आओ अगला पढ़ के फिर एक बारी पिछले ते जाओ दोनों करते रहो ताकि तुहानू पक्का हो जाए एल ल शर्शे एल न ल शर्शे पा नू ले कोंतियों कोंते मतलब काउंटिंग करनी असी उन्हां दी गिनती कर रहे सी नू न ले कोंतियों पा वो ले कुतिए तुसी उसनू सुन रहे सी वो न ले कुतिए पा तुसी उसनू नहीं सुन रहे सी इल एम्प्रंटे ओ उसनू उधार ले रहे सी इल ने लोन प्रिंटे पा वो उसनू उधार नहीं ले रहे सी एल ला फर्मे वो उसनू बंद कर रहे सी दुकान दी हो सकता है गल हो रही हो वो उसनू बंद कर रहे सी एल ने ला फर्मे पा वो उसनू बंद नहीं कर रहे सी ध्यान रखने वाली गल एक हो रही है जिहड़ी कि CER verbs और GER verbs है कि नहीं लगते इंज नहीं जिवें फर्स्ट ग्रुप वर्ब है ज्यादातर उस तरीके चलते हैं लेकिन कुछ कुछ इन्हां दे विचकार जिहड़ा हैगा है एक्सेप्शन जिहनूं कहांगे वह विच आ जाता है इररेगुलैरिटीज आ जांदियां ने नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते ध्यान देखते हैं प्रेजेंट च किवें होएगा और इम्परफेक्ट किवें होएगा इम्परफेक्ट किवें होएगा Je commence. हुण असीं ER verbs दा देखिया कि ER चेंज हुंदा है इत्थे भी उसे तरीके चेंज होना है लेकिन इहदे च नू जिहड़ा फर्स्ट परसन है जिथे CER verb होएगा सी दे अखीर दे उहदे थले एक छोटा जिहा जिहड़ा है जिवें पंज लिखिया होए उस तरीके दा निशान बनदा है जिहनूं फ्रेंच च कहिंदे ने सेडील सेडील और जिहड़ा हैगा है इंग्लिश च कहिंदे ने सेडीला एंडिंग्स जिहड़ियां ने ओही ने जो फर्स्ट ग्रुप वर्ब दी हुंदियां ने लेकिन इहदा खास तौर ते इह जो लिखिया गया है इह लिखिया जांदा हैगा है उच्चारण करके क्योंकि सी अगर ओ तो पहले लिखिया जाए दोनों इकट्ठे लिखिया जाण ते क दी आवाज आएगी और इत्थे हैगा जो कमांस ट्यू कमांस इल कमांस एल कमांस कमांसे मायने शुरू करना ते अगर नू ते पहुंच के असीं कहीए नू और नीचे निशान ना लगाइए तो उहदी आवाज आएगी नू कमोको ते ओह गलत बनदी है सुनन च जुबान कोई भी होए दुनिया दी सब तो पहले सुनन नाल है उहदा लेना देना बोलन नाल और सुनन नाल लिखना बाद च आया लिखते वक्त जिथे जिथे लोगों नू अड़चना आईया उथे उथे उन्होंने उहदा हल कढ़न की कोशिश की अलग अलग तरीके यह उस दा एक नतीजा है उन्होंने वो तरीका नहीं लग के उन्होंने इस तरीके निशान लगा के और थले एक एक्सेंट पा दिता तो उन्होंने कहा गया इस तरीके कर लिए आवाज साड़ी स दी आई तो नू कमोसो वो कमोसे इल कमोस एल कमोस हूँ यदा असी एम्परफे बनाना है एम्परफे बनाना है तो होया हूँ तुम अगर देखो तो फिर मुड़ के उस वही लिया है नू फर्स्ट परसन प्लूरल का लैके मेन मुड स्टेम लैके असी लगाई है सिर्फ नू और वो च नहीं लगाई हूँ देखते हैं वो क्यों है क्योंकि बाकी भी सी तो पहले अगे ए लिखा सी तो के दी आवाज आनी सी वो सारा हटा के उन्होंने उसे डीला लगा के आवाज नू सुधारिया है जो कमोसे ट्यू कमोसे इल कमोसे एल कमोसे नू कमोसियों इत्थे नहीं हैगा आई दे नाल सी मिलके सी दी ही आवाज आंदा स दी आवाज आंदा स स दी आवाज आएगी वू कमोसिए इल कमोसे एल कमोसे इत्थे पता चलता है कि सी दा ध्यान रखना है सेम ऐसे तरीके मोजे जिहड़ा है या होर भी जी ई आर एंडिंग वर्ब जिहड़े होणगे उन्हां दा इसे तरीके उन्हां च भी तब्दीली हैगी है कि मौजे दा असी जिहड़ा पढ़िया है प्रेजेंट टेंस च किवें हुंदा है एंडिंग्स उहियों आ गईआं लेकिन इहदे च इक ई एक्स्ट्रा लग गया
Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Manger, matlab, khana. Imperfect होता जिसले करांगे तो फिर वही गल है कि first person plural नू मौजों जड़ा है वो दी mood stem लेके ऐसी बनाने हैं कि imperfect जो बनेगा je mange tu mange il mange elle mange nous mangeons vous mangez il mange elle mange ध्यान रखना है कि किथे ई लगा है किथे नहीं लगा है लिख के प्रैक्टिस करके बार बार जड़ा है याद आता है हालांकि लिखना याद करना अच्छी गल है ही उच्चारण वेले तुसी देखोगे दिक्कत घट आएगी क्योंकि उच्चारण वेले ऑटोमेटिकली तुसी बोलन वेले वो ठीक ही बोलिया जाएगा जो मौजे तू मौजे इल मौजे एल मौजे नू मौजियो बोलोगे ही नू मौजियो और कुछ तो बोलोगे नहीं उसी तरीके कमोसे जिहड़ा वर्ब है उहदे वी बोलदे जो कमोसे तू कमोसे इल कमोसे एल कमोसे नू कमोसियो ही बोलोगे बोलन वेले ठीक ही आएगा यह लिखण दा ही रोल है जिहड़ा कि थोड़ा जिहा इररेगुलैरिटी जिहनूं कहांगे जिहड़ा कि अगे पिछे हैगा उच्चारण वेले बोलन वेले कुदरती तौर ते तुहाडे कोलों सही ही बोलिया जाणा हम इसी होर वर्ब देख रहे हैं फिनीर फिनीर जड़ा है इसी देखा है कि सेकंड ग्रुप वर्ब जड़े ने उना दा है वर्ब है मतलब होंदा है खत्म करना किसी चीज नू एंड करना काम खत्म करना हो या कोई होर चीज है आम खा रहे हैं आम खत्म कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं अलग अलग चीज है उन्हें दा प्रेजेंट पासे कंपोज है और इम्परफेक्ट तीनों असि देखते हैं कि किस तरीके बनना है क्योंकि सेकंड ग्रुप वर्ब थोड़ा जे फिर अलहदा ने हर चीज थोड़ा थोड़ा फर्क है क्या इन्हों का तो इन्हों असं देखते हैं हूँ ये जी है फिनीर का आई आर वर्ब जोड़ा है वो आई आर जी एंडिंग है वह तब्दील होगी असी वो जोड़ा है देखा हुआ पहले जो फिनी ट्यू फिनी इल फिनी एल फिनी नू फिनीसो Vous finissez, ils finissent, elles finissent. उच्चारण थोड़ा जिहा डिफरेंट है वखरा है ध्यान देना है उन्हें दा भी फर्स्ट परसन प्लूरल जिहड़ा है नू फिनिसों उहदा मुड़ जिहड़ा है उहनूं असीं पढ़ना है और उस नूं असीं ध्यान च रखना है पासे कंपोजे वाले असीं देखिया है कि असीं सिंपल होंदा है पास पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है जे फिनी यू आ फिनी इल आ फिनी Elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. I finished, you finished. On est dans imparfait. Imparfait vaste. Mourke, te annonce te le arrière, toi, nous finissons te. Le present tense da, first person plural. On te dit quoi, si, usse nous l'ikhia hai, te. पूरे का पूरा उसी तरीके उतारिया है मैं सिर्फ तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि अंदाजा रहे कि भाई असं प्रेजेंट लिखे जिसले उस वे असं की लिखा सी इम्परफेक्ट बनाने वेले असं विचकार किस चीज़ का ध्यान रखा है और अखीर से एंडिंग जड़ी है इम्परफेक्ट की वो यो लिखी है असं उस कोई तब्दीली नहीं है उच्चारण यदा देखते हाँ ज फिनिशे आई वॉज फिनिशिंग पासे कंपोजर जिसने लिखा है वो है ज फिनी I finished और imperfect हो गया I was finishing मैं कर रहा सी खत्म कर रहा सी होया नहीं सी हाली you finish you were finishing il finish he was finishing elle finish she was finishing nous finissions we were finishing vous finissiez you were finishing il finish they were finishing elle finish they were finishing थोड़े थोड़े बखरे बखरे अलग अलग हैगे ने लगेगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैगी है लेकिन यह पाठ इम्परफेक्ट का थोड़ा लंबा है लेकिन इनू अच्छे तरीके दो चार बारी तुम्हें पढ़ना पेगा पक्का हो जाएगा लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होंदा है इहदा आम बोलचाल की भाषा क्योंकि असं हर वेले हुण गल कर रहे जिवें मैं तुहाडे नाल कि पिछले पाठ मैं किया मैं उहदे च दस रहा सी
दस रहा सी वो एम्पायर से आ गया, मैं कीता सी वो पासे कंपोजे हो गया। और साड़ी गलबात जो पास्ट टेंस का जोड़ा है बहुत बड़ा हिस्सा है, वो जोड़ा है पासे कंपोजे और एम्पायर से मिल के ही चलते, कट के करना पैना है, दो बारी तीन बारी पढ़ो हो जाएगा। फिलीप फजे ल दबुआ, फिलीप अपना होमवर्क कर रहा है, अपना कर रहे सी, अपना ही कर रहा होने किसी और दा क्लिक क्यों करेगा। फिलिप जड़ा है सुजे हो गया और ल दबार जड़ा है वो ओब्जे हो गया। ल ला ले असी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दे ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलिप ल फजे, फिलिप वो कर रहे सी, ठीक है जी। इल ल फजे ही वाज डूइंग इट, वो काम कर रहे थे। जूली रगार्दे सोफी, जूली ला रगार्दे, जूली वॉज लुकिंग एट सोफी, जूली ला रगार्दे मतलब जूली वॉज लुकिंग एट हर, एल ला रगार्दे शी वॉज लुकिंग एट हर, मारियों ए मुआ अपलों सोफी, मारियो और मैं सोफी नु बुलाने हैं, मारियो ई मुआ ला पुलों, मारियो और मैं उन्हों बुलाने हैं। नू ला पलियो इतने पास टेंस करता है परफेज, असी उसनु बुला रहे सी। वेरोनिक एतवा अपले दनी, वेरोनिक एंड यू वर कॉल डेनिस, वेरोनिक एंड यू आर कॉलिंग डेनिस, वेरोनिक एंड तुआ लापले, वेरोनिक एंड यू आर कॉलिंग हिम। वो लापलिए मैं एम्पायर फे लिख लिया है, यू वर कॉलिंग हिम सुनो बुला रहे सी। जूली ए सोफी आशते लेगा तो, जूली एंड सोफी वर बाइंग, इतने एम्पायर फे है वर बाइंग द केक्स, जूली ए सोफी लेज आशते, जूली एंड सोफी वर बाइंग देम, एल ले जाते दे वर बाइंग देम। कोशिश की है पिछले पार्ट जेडे ने उन्होंने नाल लेके चलिए। हम इथे जेड़ा है एक छोटी जी जेड़ी मैं कही सी इस्तेमाल करना है, ऐसी उन्होंने जो कुछ सीखा है उसनों स्टोरी च कहानी च, मैं छोटे बच्चे की कहानी ली है। यह कहानी स्कूलों च फ्रांस के स्कूलों जेड़ा है करीब चौथी पंजवीं के बच्चे पढ़ाई जाती, असं उससे पढ़ा रहे हैं गया। जिस किताब चो मैं लई है नाम वगैरह भी मैं बाद च दसांगा। बड़ी प्यारी कहानी मैं बहुत ही पसंद है, उस लिया है क्योंकि छोटे बच्चे की साधारण कहानी बड़ी प्यार वाली है। ल रेवई, रेवइये वर्ब जोड़ा है वो जागना होंगे है, हम इन ल रेवई जरा नाउन है मतलब जागना, जागना किन्ना मधुर हो सकता है छोटे बच्चे वास्ते अपनी माँ के कोल, उसनों दर्शाता है। देखिए पढ़िए पता चल जाएगा। छोटा बच्चा अपने बिस्तरे च उठ रहा है सवेरे अंगड़ाई लैके, je m'éveillais au grand jour, le soleil se glissait à travers les persiennes et jouait dans le rideau de mon petit lit, et moi je jouais avec lui cherchant à le saisir dans mes petites mains. Puis, tout à coup, le silence de la chambre m'effrayait un peu. Je me levai à demi et je prêtai l'oreille. कोशिश की है जो वर्ब इम्परफेक्ट देने उन्होंने अलग रंग रखे है, उन्हें दे मायने इतने लिखने की कोशिश की ताकि तुम थोड़ी आसानी रहे, रेफरेंस रहे बाद चों भी। रवैये मतलब टू वेकअप, एवैये टू अवेकन, उठना और जागने च जो फर्क है थोड़ी गल हुई है। इतने ग्लिसे टू स्लिप फिसल जाना, ले पेरसियन, पेरसियन लूवर्ड शटर्स जड़े ने खिड़कियां दे पुराने चरोखे बनाए जाते सी जड़े थोड़े थले नू करके होंगे सी और उपर थले हो जाते होंगे सी, वो जड़े ने चरोखे खिड़की दे विच जड़े हैं लकड़ दी होंगी सी,
jouer to play, chercher to search, effrayer to scare, se lever to get up. उन इन थोड़ा जैसे समझने की कोशिश करते हैं, बच्चा की कह रहे हैं, je me veille au grand jour, मैं उठ रहा सी, मैं जाग रहा सी, au grand jour. Grand jour मतलब जड़ा है दिन बड़ा चढ़ चुके सी, अच्छे तरीके दिन चढ़ चुके सी. Le soleil se glissait à travers les persiennes. Le soleil se glissait. सूरज जड़ा है इस तरीके जिवें कि वो फिसलदा होया आ रहा सी, आ थ्रवैर मतलब दे आर पार, खिड़की दे चरोखियां दे आर पार. जुए दौ रीदो जमू पतीली, और उत्थों दी ओ जड़ा है मेरे छोटे जे बिस्तरे दे ते जड़ा पर्दा लगा होया सी ओदे विचों खेल रहा सी. Et moi, je jouais avec lui. Pour moi, je jouais avec lui. Cherchant à le saisir dans mes petites mains. Usnu apne chote chote hatthan de vich phadan di koshish karda hai. Tusi is cheez nu samajhna hai ki kis tarike hai ga. Agge unna ne kitab vich photo banayi si. Main vi ade cheez jehde hai tuhanu share karda hun. Tusi dekhoge. Puis, tout à coup, le silence de la chambre. मैं फ्रीये एम्पर हुई मतलब होया देन फिर तुता को अचानक ले सिलेंस दे ला शाम बेडरूम जड़ा है मेरा कमरा जड़ा है उसकी खामोशी जड़ी है उस तो मैं कुछ कुछ डर रहा सी मैं फ्रीये एम्पर वो मनु डरा रहा सी कुछ कुछ जब मैं लेवे आदमी मैं अद्दा को थोड़ा जा ऊपर होके देख रहा सी उठ रहा सी जम ए जम प्रेते लो रही और मैं बड़े ध्यान दे के सुन रही सी प्रेते लो रही मतलब हुंदा है कान प्रेते लो रही मतलब कान दा पूरा ध्यान दे के मैं उसनु सुन रही सी अलो जे रिमार्के ले ब्रुई लेजे दे ला पेंडुल दे मार्बल अलो जे रिमार्के ले ब्रुई लेजे दे ला पेंडुल दे मार्बल Déjà éveillée, elle aussi, sur la cheminée. Et ce babillage me rassurait. À voix basse, je l'imitais. Tic-tac, tic-tac. On a fait un peu de temps, apne bedroom de vich ode jede ek kadi payi hoyi hai, us kadi de utte odi gal kar rahe hain, ki alors je remarquais le bruit léger. Alors, फिर जे रिमार्के मैं नोटिस की मैं ध्यान दिता ले ब्रुई लेजे दे ला पेंडुल दे मार्बल मार्बल दा जिहड़ा पेंडुलम हैगा सी उहदी हल्की हल्की आवाज जिहड़ी आ रही सी उस नूं मैं सुनिया मैं उस वल मेरा उस वल ध्यान गया तेजा एवेईए एल ओ सी स्यूर ला शमिनी ओ जिहड़ी है ओ भी उठ चुकी सी और वह चिमनी के उत्ते जिहड़ा है चिमनी हैगी थले चिमनी के उत्ते उत्थे बैठी हुई वो भी जाग चुकी सी इस बबियाज में रसुरे और उसकी ए आवाज जिहड़ी है ना रुकन वाली कॉन्टीन्यूअस आवाज जिहड़े बच्चे करते ने बोली जाते ने उस तरीके उस लफज नूं ने लिया है बबियाज बबियाज मायने ही हुंदा है बैबल करना बच्चों की तरह उहदे नाल लेकिन उन्होंने तसली हो रही है रसुरे रीअश्योर उन्होंने तसली हो रही है वह बस जे लिमिते और मैं हौली जी आवाज उन्होंने नकल कर रहे सी इमिते मतलब इमिटेशन करना उदी उन्होंने कॉपी करना उन्होंने आवाज कॉपी कर रहे सी किस तरीके टिक टक जिमें कड़ी कर दी मैं इन पोख्त आ जेमी दूसमो डेरियर लकवाजो जुमते रथिया मुसूफ Un pas glisse dans le couloir. Ce pas, je le connais bien. Je jette un grand cri. Maman. Mais une porte a gémi doucement. Lekin, ek darwaza holi ya, squeak unu holi ji unhe awaz aayi. Kai bari darwaze tel na hoye, halki ji mein awaz aandi hai. Khud hi woh gal kar rahe hain. Mais une porte, darwaza, halka ja, udi awaz aayi. Derrière la cloison, la camarade de la divar qu'elle aurait dit, ou de l'autre. Je me tais.
मैं चुप हो गया। ये रचिया मौसूफ और अपनी जड़ा सा है गया वो रोक लिया। पा ग्लिस दौ लकुलवा जड़ा रास्ता है गया है उस कमरे नु आन तक दा उदे विच एक कदम दी उनु चलन दी आवाज आई। सुपा je le connais bien इस कदम जड़ा स्टेप है je le connais bien मैं बड़े अच्छे तरीके पहचान लू। Je jette un grand cri मैं जोर दी चीखिया मामा। Et maman accourt, souriante, je lui tends les bras, je m'attache à elle, et je lui rends 10 caresses pour une. Et maman, mes taraf, dort qui aille, as de re, smile kar de re. Je lui tends les bras, mais apne bama, on les val kar diya, je m'attache à elle, mais apne apne on a lepet liya, et je lui rends 10 caresses pour une. Pour me on a nous, एक जड़ी जफी है वो बदले मैं 10 जफियां वापसी देती। बोंजो मुशेरी सत्या मेरे बच्चे बोंजो मामा बोंजो। ए जरी मास्क मामा री और मैं हंसिया क्योंकि मामा भी हंस रही थी। जो स्वी दबू कॉन्ट्र सा पोएट्री मैं खड़ा है गा मामा की छाती नाल लिपट के। मो विजाज तूश लसिया मेरा चेहरा उन्हों का चेहरा टच कर रहे हैं। जमरगार दौं सिजी क्लैर जमी वो पिछी पिछी मैं उन्होंने अखा जड़िया ने हल्के रंग की अखा उन्होंने अंदर मैं अपने आप में देख रहा और मैं खुद न छोटा छोटा देख रहा। जो फ्रोल अवेक माजू साजू प्लू फ्रैश की सौ सी बो। जो फ्रोल फ्रोल मतलब हल्का जहा टच करना अवेक माजू साजू उन्होंने गल न अपने गल के नाल मैं टच करदा हल्का जहा उन्होंने गल तो बड़ी अच्छी अच्छी मिठी जी खुशबू आ रही है। जमकाश दौसों को मैं उन्होंने गर्दन के जिमें उबड़ी जाना इसे फांश मशत हुई और उन्होंने वाल जड़े ने हल्के हल्के वाल वो मैं गुदगुदारी कर रहे हैं। जसवी बियाला मैं इतने किन्ना अच्छा लग रहा Maman, mon petit, hein, mes repères petits, tu l'aimes bien ta maman? Tu n'as plus maman, tu l'as dit? Tu as maman, tu l'as dit? Si je l'aime, je me sers davantage encore contre elle, mais on en a le haut aujourd'hui casque de préparer. Et je réponds entre deux bisous. Pour maman, deux, chote chote bisous, garder, pari, garder, mais aujourd'hui, boulia, de tout mon cœur, mais pour être dilton, छोटे बच्चे की कहानी है अगर होर मौका लग गया होर कहानियां भी ये कोशिश करांगे ऐड करन दी तुहानू सुननी पैनी कई बार मिलके कट्ठे फिर तुहानू ये जड़ा है समझ आएगी। बहुत मिठी लिखी हुई है कल्याण एजुकेशन वालों कोशिश तो है साड़ी कि पंजाबी जिहड़ी हैगी है साड़ी मां बोली उही ओ सानू रास्ता दिखाए दूजी जुबान सीखण दी। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏ ਸੋਝੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।